ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 लोकसभा चुनावों की नजर से ये बहुत अहम चुनाव है। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस कर्नाटक के इस रण को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा रही हैं। यही नहीं, यहाँ के जातीय समीकरण को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां लिंगायत और मुकलिग्गा समुदाय को लुभाने में लगी हुई हैं। लेकिन इन दो समुदायों का आखिर प्रभाव कितना है? कर्नाटक की सियासत में लिंगायत और मुकलिग्गा समुदाय का काफी दबदबा माना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत की आबादी 17% है, जो कि राज्य की बड़ी जनसंख्या है। वहीं मुकलिग्गा समुदाय की आबादी भी 12% है। लोगों का मानना है कि लिंगायत और मुकलिग्गा समुदाय जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं वो पासा पलट देते हैं। मुकलिग्गा समुदाय से राज्य में अब तक 7 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 166 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें से लिंगायत समुदाय के उम्मीदवार को 43 सीटें दी गई हैं। साल 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने इतनी ही सीटें लिंगायत समुदाय के उम्मीदवारों को दी थी। हालांकि कांग्रेस केवल 17 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। वहीं बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के 55 कैंडिडेट उतारे थे। 40 सीटों पर ही लिंगायत उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। वहीं मुकलिग्गा के लिए कांग्रेस ने अपने कुल 166 उम्मीदवारों में से अब तक 29 ही आवंटित की हैं। बताते चले कि साल 2018 में कांग्रेस ने मुकलिग्गा समुदाय से 41 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए थे। हालांकि बीजेपी ने अभी तक चुनाव के लिए एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन कल की मीटिंग के बाद हो सकता है कि जल्द ही बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ जाए। चलिए आपको बताते हैं कि चुनाव के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा की थी। बताते चले कि लिंगायत और मुकलिग्गा के अलावा कर्नाटक में एससी समुदाय की 17% आबादी है और 7% की आबादी एसटी की है। विधानसभा चुनाव में एससी समुदाय के लिए 36 सीटें और एसटी समुदाय के लिए 15 सीटें चुनाव आयोग ने आरक्षित रखी हुई हैं। हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।